सफीपुर उन्नाव के मोहल्ला वासी गंदगी में जीने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी के कोरोना के चलते भी नगर पंचायत ने सफाई नहीं कराई। जी हां, हम सफीपुर के मोहल्ला कचियाना के गड़ी तालाब की बात कर रहे हैं, जो जमकर बीमारियां बांट रहा है। कई बार शिकायतें करने पर भी समस्याओं का हल आज तक नहीं हुआ। सफीपुर आदर्श नगर पंचायत का नारा स्वच्छ सफीपुर सुंदर सफीपुर हवा हवाई साबित हो रहा है। जहां एक तरफ जहां एक ओर वैश्विक महामारी कोरोना जैसी घातक बीमारी से देश लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गंदगी का अंबार बना गड़ी तालाब बीमारियां बांट रहा है, जिसको साफ कराना पंचायत ने मुनासिब नहीं समझा। आपको बता दें कि तालाब के चारों ओर घनी बस्ती है, गंदगी की वजह से मोहल्ले वासियों का जीना दुभर है। कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे मोहल्लावासी गंदगी में जीने को मजबूर है। सफीपुर उन्नाव से हमारे संवाददाता राम शंकर की रिपोर्ट। की शिकायत की गई? शिकायत की गई, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं। आप लोग सरकार से क्या चाहते हो? हम लोग सरकार से कहते हैं कि साफ हो गंदगी अपने अपने। ठीक ठीक, क्या नाम है आपका? नसीरुद्दीन। कहाँ रहते हैं? कजियाने मोहल्ले में। अच्छा, वार्ड नंबर 15। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या यह है, ताल इतना गंदा पड़ा है, तमाम कच्ची लैट्रिने बह जाती हैं, आज तक इन्हें सफाई नहीं हुई रही। हमारे मन के बच्चे सारे रोज अस्पताल जाते हैं। शिकायत करी आपने? शिकायत की जाते है तो यहाँ कौन सुनवाई करत है आज? किससे शिकायत की है? शिकायत कैसे करें? तौनेरिया जाओ, चाहे वहाँ जाओ, SDM साहब पास। अभी धक्के मार के गरीब आदमी कहूँ ठिकाना है? तो यहाँ बच्चे बीमार, आप लोग बच्चे रोज बीमार रहते हैं, हम लोग मजदूरदार आदमी कहाँ दवाई लेनी जाए रोज रोज? अच्छा, की कोई सफाई नहीं है, ना कोई पालिंग दिखाई, सब सबूत जानवर में इतने बड़े कछुए हैं कि कुत्तन का नीचे ही चले जाते, जलकुंभी नीचे बदबू आवा है। पानी इसका, बारिश का पानी क्या इसी में आता है? ये बारिश का पानी आवत है रानी ताल तक का, यही में इसका कहीं निकास नहीं है क्या? निकास है, आगे नाला बना है, मगर यहाँ से जब सही बन के जाए तो साफ हो तो पानी सप्लाई दे। नेता जी आप अपना नाम बताएंगे? मुझको रोशन गांधी कहते हैं। रोशन गांधी जी कहाँ से आप? मैं समाजवादी पार्टी का महासचिव मिनोरिटी संकट सभा उन्नाव का। आपके मोहल्ले में आप जैसे कि हमने देखा कि इतनी समस्याएं हैं लोगों को कि आपके घर के सामने एक गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इसके लिए आप क्या बता रहे हैं लोगों को? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि अक्टूबर 19 में तहसील दिवस में एक एप्लीकेशन सामूहिक रूप से हमने दी, जिसपे आदर्श नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी महोदय द्वारा ये लिख करके भेज दिया गया कि वो यहाँ सारा कार हो गया है। अब आज तक कि वो कच्चा मल बह रहा है, लोग सीट लगाए हुए हैं और अपना सीवर टैंक नहीं बनाया उन्होंने, इसकी भी शिकायत की गई, जिससे नगर पंचायत ने आज तक की कोई कार्रवाई नहीं की। आप ये बताइए कि आपकी सपा सरकार थी, आपने अपनी सरकार में इस तालाब के लिए क्या किया? हमारी सरकार में जिस वक्त सरकार हमारी थी यहाँ के ऊपर, उस वक्त हम लोगों ने इसके लिए काफी जोर आजमाइश की कि इस तालाब के लिए सफाई हो जाए, लेकिन हमारे चेयरमैन जब से जीत करके आए नगर पंचायत सफीपुर के, उन्होंने ये वादा किया है कि इसमें हम बजट पास करके इसका सुंदरीकरण कराएंगे। अब वो कब होता है? चेयरमैन साहब का नाम बताएंगे आप? नसीम अहमद साहब ने सुंदरीकरण के लिए बाकायदा वादा किया है। यहाँ तक नेता जी मेरी जानकारी है तो आपके जो चेयरमैन साहब हैं वो भी आपकी समाजवादी पार्टी से ही आते हैं, देखिए फिर आपके पक्ष में उन्होंने काम क्यों नहीं किया? देखिए, चेयरमैन साहब ने जो भी काम सफाई का मामला है, सफाई का मामला तो यहाँ अधिशासी अधिकारी से मैं 27 मई को मिला हूँ, 27 अप्रैल को मैं मिला हूँ, और मिलने के बाद मैं उनसे मैंने इस मामले को अवगत कराया कि ये समस्या है, तहसील दिवस में दिया गया, इतने टैंक बह रहे हैं, इतने तरीके से ये हो रहा है, इतने तरीके से ये हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपने कर्मचारी तो ज़रूर भेजे, अब भेजने के बाद में उसकी कोई सफाई नहीं कराई, जबकि मैंने कहा GCB से इसको खींच दिया जाए, चेयरमैन ने भी टेलीफोनिक वार्ता करके कहा कि GCB भेज करके इस जलकुंभी को निकाला जाए। तो यानी कि ये सारी जो है सारी सफाई इसकी हवा हवाई हुई है, हवा में सफाइयां हुई है बस। अब ये सरकार को
झेंगा दिखाने का काम अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सभी पूर्ण कर रहे हैं, यहाँ के कर्मचारी कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत, और यहाँ मैंने बोर्ड भी देखे हैं, सुंदर नगर सुंदर भारत, स्वच्छ नगर स्वच्छ सफीपुर, लेकिन ये सफीपुर स्वच्छ जो है वो सामने तालाब इस बात के गवाही दे रहा है कि ये गंदगी, और बैठने से लोग जानवर आते हैं इसमें मर जाते हैं, जानवर आते हैं इसी में सड़ा करते हैं, इसको निकालने का कोई काम नहीं कर रहा। ये एक तालाब हमारा जो है उसका जहरीले कीड़ों का रैन बसेरा बना हुआ है, अब गंदगी की वजह से इतना प्रदूषण है कि हद से ज्यादा लोग बैठ नहीं पा रहे हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है। मैं मांग करता हूँ उप जिलाधिकारी महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से और शासन से कि इस तालाब की सफाई कराई जाए। इस कोरोना महामारी के दौर में आज अगर किसी को खांसी जुकाम या कुछ भी हो जाता है या छींक तक आ जाती है, उसको भेज दिया जाता है जांच पे। और यहाँ लोगों ने बताया जैसे इज्जत घरानी लाइटिंग बनी है जो लोगों को मिली हुई, तब भी उसका टैंक तो बनना चाहिए, तो सीधा नाला में क्यों बहाया जाता? देखिए लोगों ने पैसा ले लिया है और टैंक नहीं बनाया, इसकी जांच डूडा से कराई जाए, और नगर पंचायत स्वयं जानती है कि हमने 8,000 रुपए किनको दिए, इसलिए नगर पंचायत के कर्मचारी उसमें फंस रहे हैं जिन्होंने उस पैसे को पास किया है, इसलिए उसका काम नहीं हो रहा। अभी तक आपने पहले जो एप्लीकेशन दिया था दोबारा आपने उप जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया? उप जिलाधिकारी महोदय को मैंने 24 को एक वीडियो मोबाइल द्वारा भेजा है, जो कि उन्होंने उसको देखा भी है, वो वीडियो भी मौजूद है, और वो भी मैंने रसीद भी तहसील दिवस की उनको व्हाट्सएप की है, और ये सारी कार्रवाई की, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं निकल रहा हूँ कोरोना वायरस के लिए, मैं चूँकि सरकार की और लोगों की जिलाधिकारी महोदय का मैं पालन कर रहा हूँ कि ज़्यादा भीड़ लेकर के मैं ना घूम। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? शाहदुल। हाँ। कौन से महल्ले में रहती हैं? कजियाने में। सफीपुर कजियाने में। हाँ, क्या समस्या है आपकी? गंदगी बहुत है गहरिया में। कहाँ गंदगी है? ताल में गंदगी बहुत है महल। ये तालाब में? हाँ, तालाब। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं करी है? शिकायत करी, कोई सुनवाई नहीं है, शिकायत करो सुनी। हाँ, इसे ऐसा हो गई है। इससे क्या दिक्कत हो रही? बीमारी फैल रही? क्या बीमारी फैल रही? कहीं पलटी पाखाने गर्मी में बच्चे का यही हुआ कर, अब बरसात में खाना खान बैठे पंखियाँ आ रही, मच्छर आ रहे। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? नजमा। कहाँ रहती है? कजियाने। सफीपुर कजियाने में। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि पोता हुआ है, उस रात दिन बीमार रहता है, मच्छरों कीड़े मकोड़े के वजह से खुद को परेशानी है, लैट्रिन बाथरूम में किचन में कीड़े जा रहे हैं। घर कहाँ है आपका? यही के पास। और ये बीच में ये तालाब के किनारे घर है? हाँ। इसकी कोई सफाई नहीं हुई अभी तक? कभी कभी सुनवाई नहीं हुई। इसकी शिकायत की गई? शिकायत की गई, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं? कोई नहीं। आप लोग सरकार से क्या चाहते हो? हम लोग सरकार से चाहते हैं कि साफ हो गंदगी अपने अपने। ठीक ठीक। क्या नाम है आपका? रसूद्दीन। कहाँ रहते हैं? कजियाने मोहल्ले में। अच्छा, वार्ड नंबर 15। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या ये है ताल इतना गंदा पड़ा है, तमाम कच्ची लैट्रिने बह जाती हैं, आज तक इन्हें सफाई नहीं हुई रही, हमारे मन के बच्चे सारे रोज अस्पताल जाते। शिकायत करी आपने? शिकायत की जाते तो यहाँ कौन सुनवाई करते है आज? किससे शिकायत की है? शिकायत कैसे करें? तो एरिया जाओ, चाहे वहाँ जाओ SDM साहब पास, अभी धक्के मार के गरीब आदमी कहो ठिकाना है? तो यहाँ बच्चे बीमार, आप लोग बच्चे रोज बीमार रहते हैं, हम लोग मजदूरदार आदमी कहाँ दवाई लेने जाए रोज रोज? अच्छा, की कोई सफाई नहीं है, ना कोई पालिंग दिखा सबूत। जानवर में इतने बड़े कछुए हैं कि कुत्तन का नीचे इचले जाते, जलकुंभी नीचे बदबू आवा कर। पानी इसका, बारिश का पानी क्या इसी में आता है? ये बारिश का पानी आवत है रानी ताल तक का, यही में इसका कहीं निकास नहीं है क्या? निकास है, आगे नाला बना है, मगर यहाँ से जब सही बन के जाए तो साफ हो तो पानी सप्लाई दे।